हेलो जी गाइस, शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग की। और गाइस मैं हूं अभी रक्सम में। रक्सम का व्यू ये देखिए माशाल्लाह, बहुत खूब। तो गाइस हम आ रहे हैं अभी चितकुल से और अभी पहुंचे हैं रक्सम, और यहां से अब बढ़ रहे हैं हम कल्पा की ओर। कल्पा के नज़ारे भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, बहुत ही प्यारे नज़ारे कल्पा के हैं। और यहां का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देखिए। तो अभी हम हैं यहाँ पर, ये है हमारी बाइक। हम अभी स्नो चेन खोलेंगे। निशात पाजी भी हमारे स्नो चेन खोल रहे हैं, क्योंकि आगे स्नो चेन एडवेंचर नहीं मिलेगा। नॉर्मल आपको व्यू हम दिखाएंगे कल्पा तक के, और वहाँ पर आई थिंक जरूरत भी नहीं पड़ने वाली कल्पा में। फिर आगे स्पीति या काजा की तरफ, स्पीति की तरफ जाएंगे, हांगरा वैली की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर हमें स्नो चेन वापस माननी होगी। वैसे निकलते हैं सांगला की ओर। देखिए कैसा नज़ारा है। नज़ारा अभी लेने से बहुत अच्छे हैं। जो स्नो यहाँ तक रोड पर थी वो आगे हमें नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कम मिलेगी, इसलिए हमने स्नो चेन खोल दी है। थोड़ा यहाँ से खा जाएंगे, आगे आएगा गांव बटसरी। बटसरी वही जगह है जहाँ पर आई थिंक वो ये जो कौन सी मूवी आई थी मिताली राज की, लव आजकल 2, उसकी जो फाइनल एंडिंग बताते हैं वो बटसरी विलेज का ही है, वो बटसरी का ही है। तो गाइस अगर आप कश्मीर नहीं जाना चाह रहे हैं और आपको स्नो देखना है, तो आप हिमाचल के इस एरिए को, चितकुल को, किन्नौर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यूनिक है। अभी टूरिज्म इतना नहीं बढ़ा है, मतलब आम टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ एडवेंचर लवर जिनको स्नो राइड करनी है या स्नो एडवेंचर करना है 4x4 का, वही इस एरिया में आते हैं, किन्नौर में, स्पीति में। गाइस फिलहाल देखिए नज़ारा यहाँ से, ओह माय गॉड क्या नज़ारा। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, रुक के वो देखिए वो है रक्सम विलेज, क्या शानदार नज़ारा है। तो गाइज हम सांगला से स्टोर से आ रहे हैं और निशात भाई वो आ चुके हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक गया था क्योंकि निशात भाई थोड़ा सा हमारे लेट हो गए थे, और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। गाइज सांगला वैली रोड का ये पोर्शन सबसे खतरनाक है, देखिए आप ये पोर्शन सबसे खतरनाक है। वो एक ट्रक जा रही है, देखिए आप वो ट्रक कैसे जा रही है। और ये हमारे निशात भाई भी जा रहे हैं धीरे धीरे, देखिए कैसा रोड है, कितना खतरनाक। तो गाइज फाइनली उस पॉइंट पहुंच गए हैं जहाँ से हमने चितकुल के लिए एंट्री ली थी। ये है करचम डैम, और यहाँ से अभी हम इधर जा रहे हैं। ये है पू 84 रिकॉन्ग पियो 24 एंड सांगला 19 किलोमीटर। तो अभी हमें जाना है रिकॉन्ग पियो, और रिकॉन्ग पियो से ऊपर जाएंगे हम 10 किलोमीटर कल्पा। तो गाइज ये है हमारा कल्पा का रूम, और यहाँ हो चुकी है नेक्स्ट गुड मॉर्निंग। तो गाइज हम यहाँ करचम के बाद डायरेक्ट कल्पा कैसे हो चुके, और मैंने बीच का व्यू क्यों नहीं दिखाया भाई, बताएंगे जल्दी बताओ। एक्चुअली हुआ था कि कल टायर थोड़ा पंचर हो गया था, फ्रंट टायर और 35 किलोमीटर पंचर टायर गाड़ी चलाई। पंप वम्प नहीं था, कोई पंचर बदलना नहीं था, कुछ भी नहीं मिला। फिर एक बंदे ने हेल्प किया, हाँ, उसने उस बंदे ने बहुत हेल्प करी, तो किन्नौर के लोगों को हम थैंक यू कहेंगे। बहुत ही अच्छा हेल्पफुल आदमी था वो, और उसने पूरा एक घंटा हमारे लिए खराब करो, हमारे तीन बार कार से 10 किलोमीटर आया गया और हमारे हवा भरी फ्रंट टायर में। तो गाइस फिलहाल यहाँ हम है कल्पा में, और ये है हमारा रूम, और बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है। पाजी आप तैयारी करते हो, निकलते हैं कहाँ के लिए? नाको पहुँचेंगे। चलिए चलते हैं सुसाइड पॉइंट कल्पा की तरफ। तो भैया निकल चुके हैं, पाजी निकल चुके हैं, और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है, वो है कल्पा विलेज। ये देखिए यहाँ पर भी ब्लैक आइस जमी हुई है, ये और वो रहा सुसाइड पॉइंट कल्पा। पहले ये पूरा ओपन हुआ करता था, लेकिन यहाँ से सुसाइड बहुत ज़्यादा होने लगे थे, तो इसको रोला क्लिफ कहते हैं। तो यहाँ गिरते हुए पत्थर से दुर्घटना समय से तक कृपया सावधान रहे, और आवश्यक ज़्यादा देर तक ना रुकें। ठीक है, मान ली बात आपकी। और यहाँ पर मैंने कभी पैर लटका कर सेल्फी ली थी, मुझे याद है। यहाँ पर मैं ये जो बाहर जो चट्टान दिख रही है ना, यहाँ पर मैं बैठ के सेल्फी ली, वो सेल्फी क्या ली थी, वहाँ से मैंने शॉट लिया था। भाइयों जो जो भी खाना है वो ढंग से खा लेना, आगे कुछ नहीं मिलने वाला स्पीति वैली में। सुसाइड पॉइंट से हम आए हैं रिकॉन्ग पियो, यहाँ पर निशात भाई की बाइक खराब हो गई। भाई पाजी चेन टाइट कर रहे हैं।
एक्चुअली रिकोंगपियो के अंदर बाइक मैकेनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर बाइक को यूज़ नहीं करते हैं, ओनली फोर व्हीलर ड्राइव या पैदल चलते हैं। तो अभी हमें मैकेनिक नहीं मिला है, लेकिन पाजी ने हमारा काम कर दिया। ये पाजी ने चेन भी टाइट कर दी, ऑयल वेल सब कुछ कंप्लीट कर दिया। पाजी आप इंजन का काम भी करते हो क्या? हाँ करते हो, हम बंद हो गए इंजन का काम करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम रिकोंगपियो में हैं और नईम भाई की जो बाइक की चेन थी वो पहले टूट टूट चुकी थी। तो रिकोंगपियो में हमें यहाँ पे ज़्यादा चेन के ऑप्शंस तो नहीं मिले, मजबूर में नईम भाई ये कुत्ते बांधने की चेन ले आए हैं। तो पाजी क्या कहते हो आप, कुत्ते बांधने की चेन से क्या होगा? कुत्ते बांधने की चेन से बाइक बनेगी? नहीं, नहीं, इसे नहीं चलेगी बाइक। पाजी आप क्या सोचते हो, इसी से चलाओगे? मैं चेन के लिए नहीं लाया हूँ, मैं ये पाजी आगे भाग जाता ना। नहीं भाई ना, बाइक को कुत्ता समझ रहे हो। नहीं भाई, इतनी इज्जत करो इसकी। हो गया वाद विवाद पाजी और नईम भाई में, दोनों अपने अपने एरिया के हुनर माहिर है और दोनों की बहस चल रही है कि बिना चेक किए चेन लगा दी जाए या नहीं लगा दी जाए। और हमारे पाजी भी मान नहीं रहे हैं। जितनी मतलब बचेगी उतनी काट लेनी है, अगर हम पहले से छोटी करें छोटी हो जाएगी। तो कहाँ से लगाओगे आप, कहाँ से लगाओगे? दोनों अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो पाजी की स्नोचन और हमारी स्नोचन दोनों कंप्लीट हो गई भाई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आराम से चलना भाई, चेन बना रखी मैंने, बांध दूंगा भाई मैं, ठीक है? आराम से चलना, आगे भागना मत। 3 घंटे के अंदर नाको, ठीक है? प्लान करेंगे। अभी यहाँ से नाको है लगभग 86 किलोमीटर और अभी हमें हाइट पे अच्छा खासा चढ़ना है। देखिए रोड कैसे हैं, रोड की कंडीशन कैसी है, ये देखिए। रोड बहुत अच्छे हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर के, लेकिन पूरी रॉक कटिंग करके रोड बनाए गए हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो कि बहुत फेमस है, ये दुनिया के सबसे दुर्गम रास्ते हैं। पू यहाँ से है लगभग 10 किलोमीटर और यहाँ से एक रोड और जाता है, वो कहलाता है रोपावेली। यहाँ रोपावेली अंदर की साइड में है, फ्यूचर में कभी जाऊँगा। लास्ट टाइम भी मैंने प्लान करा था, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर जाऊँगा। अभी मैं एक ऐसी जगह पर रुका हूँ जहाँ से इंडिया चाइना बॉर्डर सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर है। वो पॉइंट है खब। ये जो एरिया है ये कहलाता है खब। खब विलेज वहाँ से, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले है और यहाँ से अभी भी नाको लगभग 15-20 किलोमीटर ऊपर की साइड में है। गाइस नज़ारा इतना शानदार है और आपको दिखाता हूँ मैं नज़ारा, ठीक है? सबसे पहले बीआरओ को थैंक्स कहूँगा, जो आपके लिए जीवन भर का असाधारण रोमांच है वो बीआरओ के लिए रोजमर्रा की ज़िंदगी है। तो इंडियन आर्मी बीआरओ को सलाम। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद बीआरओ लिखिए, ताकि बीआरओ तक ये मैसेज पहुँचे। कैसा एक्सपीरियंस रहा? पास लग, मैप ज्यादा चल रहा है तो जाके आएंगे ऊपर एक बार। हाँ, जाना पड़ेगा। कितना पास है यहाँ से? ये बता रहे 5-5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर बता रहा हूँ। और चाइना है, चाइना का मतलब बॉर्डर आ जाएगा, बाउंड्री आ जाएगा, मतलब बॉर्डर है बिल्कुल, ठीक है? लोगों को, आम लोगों को ये पता नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल इधर ही। हाँ हाँ, नहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC LAC, तो ये जो रूट है लोगों को किसी को बतानी है, ये चाइना बॉर्डर की ओर जाता है। कितना किलोमीटर आगे है? लगभग 5-6 किलोमीटर आगे, नहीं भैया? हाँ, ये है संगम खब। यहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है, स्पति और सतलुज, आई थिंक, हो सकता है, आप चेक कर लेना एक बार ऑनलाइन। तो जी फिलहाल निकलते हैं नाको की ओर। नाको में स्नो मिलने के पूरे चांसेस है, क्या पता हमें आगे स्नो चेन बांधनी पड़े या नहीं पड़े, वो भी क्लियर नहीं है। पर फिलहाल तो मौसम खुला हुआ है। जगमीत पाजी आगे निकल चुके हैं, निशात पाजी इधर है, अब चलते हैं आगे नाको की ओर। देखिए कितना यहाँ पर स्नो गिरा था, हो सकता है 1 या 2 दिन पहले स्पीति में जब गिरा था तभी यहाँ पर अच्छा खासा स्नो गिरा था, लेकिन बीआरओ ने ये पूरा क्लियर कर दिया है गाइस, ठीक है? निशात बाजी आगे चल रहे हैं, जगमीत बाजी क्या बता का आगे निकल चुके हैं। हम आराम से चलेंगे, एंजॉय करते हैं, हुए समझो 54 किलोमीटर। अभी गाँव वालों ने यहाँ पर यहाँ वर्कर ने यहाँ पर थोड़ा मिट्टी उट्टी डाल दी तो ठीक है, लेकिन अगर इस पे मिट्टी नहीं होती ना तो हम गाड़ी नहीं चला पाते। अभी मैं उधर ले लेता हूँ निशात बाजी वाली जगह पे, ठीक है? आराम से निकालते हैं, बहुत ख़राब है, मिट्टी डली हुई है लेकिन बहुत ही ध्यान से, मतलब मान के चलो बहुत ध्यान से, ब्रेक तो लगाना ही नहीं, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो। देखिए ये गाड़ी कितनी आराम से निकल रही है, 4x4 बोलेरो।
और हमारी बाइक के लिए कितना टफ है ये। निशाद भाई आगे निकल गए हैं थोड़ा फास्ट, और मैं भी अब थोड़ा सा आगे निकल जाऊँगा। ठीक है, ब्रेक नहीं लगाने, ब्रेक लगाते ही यहाँ पर जमा हो जाऊँगा मैं। ये निशाद पाजी आगे खड़े हो गए, धीरे धीरे जाने देते हैं क्योंकि वो पेड़ लगा के गाड़ी तो स्लिप मारी है पाजी की भी। और जगमीत पाजी आगे निकल गए थोड़ा सा हमसे, हिमालयन थी हम स्लो इंजॉय करते हुए आ रहे हैं। जगमीत पाजी भाग रहे हैं, भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें रात से डर लगता है और हम रात के बादशाह है। रात में उनका उसूल है, पाजी का उसूल है जग्गी का, कि रात में राइड नहीं करनी। हाँ अच्छी बात है, लेकिन यार जब फंस गए हैं हल्की सी रात होने लगे चलेगा, मैनेज कर सकते हैं यार, हम एडवेंचर पे आए यार, एडवेंचर का मतलब है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ गांव वालों ने मिट्टी डाल दी है भाई, बढ़िया 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 बढ़िया, नाको के गांव वालों को धन्यवाद। ओ उठानी पड़ेगी, जो बहुत ब्रेक से आई थी ना, इसी गिरा, बहुत स्लो चलना, बर्फ आ गया बहुत ज्यादा अब यार। हाँ बर्फ बहुत सारा आ गया अब। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम नाको, और नाको भी पूरा जमा हुआ है। ये देखिए ये पूरा है नाको विलेज, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अंदर अंदर। जगमीत पाजी थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां पर होम स्टे ले लिया है, चलिए चलते हैं अंदर। अभी भैया बता रहे हैं कि 2-3 फरवरी को इतना स्नो गिरा था कि सांस लेने पर बर्फ जम गई थी, सही है? और तो अला कमरे के अंदर सांस ले रहे तो दीवारों पर बर्फ जम गई। क्या नाम भैया का? मालिक सेन। ओके ओके, क्या होम स्टे का नाम क्या है? माउंटेन व्यू। माउंटेन व्यू, ओके थैंक यू। तो लो जी पहुंच चुके हैं हम नाको, और गाइस यहां पर हम रुके हैं माउंटेन व्यू होम स्टे के अंदर, और यहां से ये है हमारा रूम का नजारा। पाजी ने सबसे पहले हीटर पे हमला कर दिया है, भैया ने जगह रोक ली है सर्दी से बचने के लिए। क्या पाजी ना, बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी इतनी तेज, कितना डब्ल्यू है? -10 के आसपास का है, गांव भी पूरा जमा हुआ है। तो गाइस अगर ये ब्लॉग आपको पसंद है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। आपको -12 हो गया, ओके। यहाँ की मटर कश्ती पसंद आई होगी आपको इस ब्लॉग की। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, नया नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जबरदस्त फाड़ू वाला होने वाला है, इससे भी फाड़ू होने वाला है, बने रहना। और मिलते हैं आप कल।